हमारे पास में भैया आप तीन जगह की चाउमीन, स्वागतम, सांवरिया और यह है गोल्डन की। अब ये तीनों को मैं टेस्ट करके तुम लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट कौन सी निकलती है, जो स्वाद में तुम्हारे लिए सबसे अच्छी होगी। और सारी सारी एक एक चीज अपन वेजीज वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लुक्स के मामले में बात आ रही है ना, तो ये जीत गए। इसमें दोनों बराबरी कर रहे हैं, इसमें हल्का सा नमक ज्यादा है और इनके बाइट से ऑयल भी ज्यादा है, स्मेल आने लग जाती है। वैसे हो रहे बिल्कुल भी खाने नहीं सुनगी। तब मुर्गा छाप दे देना दो तेल तो। आ गए भाई फटाके। अब मैं बताता हूँ तुम्हें एक एक। ये तो है शॉट, 12 शॉट चलेंगे इसमें। हो गए भाई नहा धो के फ्री, और मेरी मम्मी और लक्की भैया तो चले गए बाजार में कट्टा लेके जाना है। इसमें है बर्तन, आज धनतेरस है ना, पहले तो इसको बेचेंगे। इसमें पुराने बर्तन है हमारे, इसको बेच के हम लेंगे नए बर्तन, और भी एडिशनल मनी जो जुड़ेगा वो दे देंगे। पर अभी तो चलते हैं मार्केट में। हम है ना बाजार जाके लाए लड्डू गोपाल के बागे मतलब कपड़े, और ये घी दानी तो जिसमें घी रखते हैं, और ये गणेश कुंज में क्या है, किसी ने मतलब कोई महान पुरुष था जिसने ना वहाँ की टन टोकरी उठा के नदी में फेंक दी थी, बस वहाँ पे रिप्लेस करने के लिए उसको। लक्की भाई तैयार कर रहे हैं गुलाब जामुन का मावा, है ना, क्या बोलते हैं इसको? अरे मावा तो बोलते हैं गाइस, बट मावा अंग्रेजी नहीं बोल रहा है ऐसे। अभी आप कहते हैं ना जाने क्या कर दे गुत दे वगैरह, जाने क्या मत दे मत दे, इससे गुलाब जामुन बनाएंगे हम। अब लक्की भाई बना रहे गोलिया गुलाब जामुन, जो एक्चुअल शेप होता है उसको कहते हैं गोलिया, और गोलिया गोलिया में हूँ ये है गोलिया। चुप हो जा सातवीं फेल। अलग अलग शेप क्यों बनाऊंगा, रुक जा। क्यों गोले के अलावा क्या डब्बे का गुलाब जामुन बनाओगी? कुछ भी त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज देगी। शर्म करो, त्रिभुज जामुन तुम्हारे क्या बिगड़े है। हम लेके आए तीन जगह से चाउमीन, एक स्वागतम से, एक गोल्डन से, और एक लेके आए वो श्री सांवरिया से, और टेस्ट करके बताएंगे कि भैया बेटर कहाँ की होती है। तो हमारे पास में भैया आप तीन जगह की चाउमीन, स्वागतम, सांवरिया और ये है गोल्डन की। अब ये तीनों को मैं टेस्ट करके तुम लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट कौन सी निकलती है, मतलब जो स्वाद में तुम्हारे लिए सबसे अच्छी होगी। और सारी सारी एक एक चीज अपन वेजीज वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर पहले तो इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं अपन। अनबॉक्सिंग हो चुकी है गाइस, अब सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ एक एक करके, पहले मैं सबको ट्राई करूंगा। पहले मैं स्वागतम खाता हूँ। अगर लुक्स के मामले में बात आ रही है ना, तो ये जीत गए जो लुक्स है ना भाई, दिख कितनी अच्छी रही है। वो तो यूं ही लग रही है कि थोड़ी सी रही सी है। चलो खाते हैं, जाओ गाइस। पत्ता गोभी खूब भर भर के डाली इन्होंने। कौन सा रही ये स्वागतम की खाई है? सोते बंदे जादू चाउमीनों की वजह से हटे हटे मुझे उठाया भाभी साले। अब श्री सांवरिया खाते हैं। चलो इसमें वेजीज कम है भाई, दिख रही है, पर टेस्ट अच्छा है इसका। टेस्ट में दोनों बराबरी कर रहे हैं, इसमें हल्का सा नमक ज्यादा है, नमक या भी नहीं कुछ तो ज्यादा है दोनों में से। अब तीसरा अपन ट्राई कर रहे हैं गोल्डन की क्वांटिटी में खत्म है भैया। क्वांटिटी में देखा जाए तो श्री सांवरिया वालों ने दे दी भर भर के, और प्राइस इनकी कम है, 50-50-40, यानी गोल्डन पे 50 की पड़ी है चाउमीन, और ये स्वागतम पे भी 50 की पड़ी है, बट श्री सांवरिया वाले ने 40 की दी है। वेजीज इन्होंने भी अच्छी डाली है, बट स्वागतम में सबसे ज़्यादा वेजीज मिली, और जो लुकिंग वाइज है मतलब जो लग रही है ना वो सही लग रही है, और इनके बाइट्स है ऑयल भी ज़्यादा है। गोल्डन में दिक्कत ही आई, चाउमीन पूरी नहीं है, देखो ये देखो मतलब टुकड़े हैं तो पकी नहीं सब, मतलब जो रहती है ना ऑब्वियसली इसमें ऑयल ज़्यादा है, और ये टुकड़े हैं ये मार देगा इसको, और ये सब्जी है ना ढंग से पकी भी नहीं है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कच्ची है पूरी। लग सही रही है, टेस्ट के मामले में एक नंबर है भाई। तो कौन है विनर? मेरे हिसाब से वो तो आउट हो चुकी है पहले ही, इनके बीच में ही है दो भी है जो इन दो के बीच में, और जो दिखता अच्छा है तो लगता भी अच्छा ही है, इसलिए देखते हैं। इसलिए क्या कहा अब रे अम्मे कर रहे हो डिसाइड ही कर तो करने लग गई पीछे से ही पानी पी लिया मुंह में आया जो हां मैं वही रहा हूं ना नंगे मुंह में पानी आया वो पीते गए। हां ये तो अच्छी अब लग के खा रहे चाउमीन गोल्डन की खाई ना, ये तो आउट है ना। अब सांवरिया खाओ, टेस्ट तो अच्छा इसका भी किसका ना। हाँ चाउमीन का तो अच्छा लगा, मैंने बर्गर ट्राई किए थे थोड़े दिन पहले, फ्रेंकली बता रहा हूँ मुझे बर्गर अच्छे नहीं लगे थे, पर उस वो वसी वाले बर्थडे के मुझे इतने खास नहीं लगे थे, एंड तक खाते खाते जले हुए निकले, बट अभी बताओ अब इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन। अब वो बहुत थिकली ऑब्जर्व ए बहुत बारीक तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब लाना चाहू ए चाहू क्या कहूँ
यार ये कौन सी बात है, वो दाया यार मेरे आ जाती है मुझे, ये अच्छे लगते हैं। स्वागत हम करते हैं ना, मुझे सांवरे वाले अच्छे लगते हैं। और बुक और प्राइस के हिसाब से देखोगे तो ये यही जीतेगी 40 रुपए में ज्यादा मिलेगा वो, बट क्वालिटी के हिसाब से वो भी ज्यादा सही, क्योंकि वो हेल्दी ज्यादा लग रही वेजीज की वजह से। गोल्डन वालों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है यार, उन्होंने बहुत जल्दीबाजी कर दी, जल्दीबाजी थी हमारे देखो, बट हमने जब उन्हें ऑर्डर दिया था ना तभी बनानी चाहिए थी, उन्होंने बनाई नहीं। मुझे भी अच्छी लगी, मुझे भी बहुत प्यारी लगी, लेकिन अजीब सी स्मेल भी आ रही थी स्वागतम वाली में, अलग ही जैसे वो रखा हुआ रह रहा तो स्मेल करने लग जाता है ना उस टाइप से। आ रही अजीब सी स्मेल आ रही सर, भाई यही जीती यार, बस वेजेस कम डाल रहे हो भैया, अगर देख रहे हो तो वेजेस अगली बार ज्यादा डाल रहे हो। जल्दी जल्दी से स्मेल आ रही है इस वाली में, उसमें पता नहीं किसी चीज की स्मेल अजीब सी आ रही है, अलग ही ये सही है। बस वेजिस पे फोकस करो भैया, बाकी सब भी अपना अपना इम्प्रूवमेंट करते रहो यार, अगर वीडियोस देख रहे हो तो धन्यवाद, आप सब अच्छा काम कर रहे हो, सबसे बड़ी बात आप खाना खिला रहे हो। हाँ और अच्छा काम करो ताकि हम और अच्छा करें। इसमें ऑयल भी ज़्यादा है देखो, ये देखो ये नीचे कंसिस्टेंसी वाकई में स्मेल अजीब सी यार कोमल दीदी को, तो एंड में बिल्कुल कंफर्म है खराब, मतलब पड़ी हुई या फिर जैसे उबाल के रख ली होगी तो वो बहुत टाइम की होगी ना वो खान लायक नहीं है स्मेल सूंघने के बाद में। गोल्डन वाली कम से कम खा तो सकता है इंसान, ऐसा है मतलब हिसाब से देखे तो गोल्डन वाली आप खा सकते हो आराम से, बट जो भी है ना भाई अगर ये खराब है ना, जहाँ तक हमें लग रहा है खराब है तो भाई ये क्लियरली कॉम्पिटिशन जीतेगी, और प्राइस में भी कम है, क्वांटिटी भी ज्यादा है, वेजेस कम है, वेजेस ज्यादा अच्छी डालें तो और अच्छी लगेगी। ऐसे लग रहा है उसमें पता ये इन्होंने और इन्होंने खाई ना दोनों भाई ना मम्मी आराम से गोलू के रहा बढ़िया, मैंने कहा यार लग भी अच्छी रही है ना, देखो खराब है ना, देख एक बाइट लिया ना मैंने जिसमें मुझे पता लग गया कि वो खराब है, स्मेल ही अलग आ रही हो, वो खुद भी बोल देगा इस चीज को कि नहीं यार भाई सही बोल रहा है तू, इसमें स्मेल आ रही है पड़ी हुई दे दी वो, मतलब उबली हुई बहुत टाइम की पड़ी हुई होगी ना उसी को। तो कंपैरिजन तो हो गया भैया अपना सीन सेट सारा, अब तो गुलाब जामुन बनाए घर पे वो खाऊंगा मैं, दिवाली में अगर खाए नहीं तो फिर क्या करा, फिर तब आगे खाओ। अभी हम गोभी लेने जा रहे हैं, अब हम गोभी लेने जा रहे हैं, गोभी साला नाम है कि पोकेमोन का नाम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब्जी का नाम है कि पोकेमोन का नाम है, गोभी पोकेमोन इसका पिकाचू मुंदरी बनाई फिरे। अब हम जा रहे हैं रुद्र के पटाखे लेने के लिए, और हम कहाँ से लेते हैं वो देखते हैं, पहले हमने सोचा था कि हम जाएंगे, हाँ पहले तो सोचा था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा मार्केट में, बट मैंने सोचा कि भाई अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कंटेंट कितना सारा मिस हो जाएगा, तो एक ब्रेव स्टेप लेते ही है, और यार देखो सीधी सी बात है यहाँ से हमें कन्वीनियंट लगेगा वहाँ से हम खरीद लेंगे पटाखे, यहाँ से हमें सस्ती रेट में मिल जाएगा और भी ज़्यादा मिलेंगे, तो बस उसी जगह से हम फटाके ले लेंगे। मार्केट देख सकते हो तुम लोग क्या ही हो रखा है, दिस इज वेरी कंजेस्टेड, जाम लग बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, ज़्यादा भी मत देना पोप पोप वगैरह तो ये चलाएगा भी नहीं, ज़्यादा नहीं चला था, मुर्गा छाप दे देना दो तेली तू तो विराट कोहली वाले डंडे ले यार, दो दे दो मुर्गा चाप के, अरे भाई फटाके। अब मैं बताता हूँ तुम्हें एक एक करके फिर वापस जमाऊंगा, अरे रुक जा तू दूर रही दूर रही, मम्मी 1800 के, मेरी मम्मी को ये फटाके भी ज्यादा के लगे 1800 के, ये तो है शॉट 12 शॉट चलेंगे इसमें, देख ले एक एक करके मैं बता देता हूँ, ये एक सूतली बम का पैकेट है 10 का, इसमें तो मैं चलाऊँ, और ये फुलझड़ियाँ, ये रॉकेट दो लाए हम, ये वाले धोनी भाई वाले है, ये चक्री दो चक्रियाँ रुद्र के हिसाब से भी लाया हूँ मैं, मतलब ये 5 शॉट है, इसमें रंग बिरंगे चलेंगे, बैठे तो 2000 के ऊपर के थे उसने 1800 ही लिए हैं, गंगा जमुना वो देखो बारूद निकला जा, ये पॉप पॉप, ये भी चक्री, ये गंगा जमुना, ये असली वाला गंगा जमुना है, ये असली वाला गंगा जमुना रहता है, ये वाला नकली है,
हुक्का और ये बटरफ्लाई पड़ 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 होता है और ये छोटा वाला लड़ू, ये वाली नीला है यार, ये वाला लाते यार वो लाते है ये है ना, ये सही जल्दी है। और ये मुर्गा चाप, ये मुर्गा चाप और ये एक और मुर्गा चाप, ये पटाखा, ये वो चिटके अमन, ये पटाखा बहुत ओवे रुद्र पूरे बस चलो डन। गुलाब जामुन की चाशनी जम गई है गाइस हमारी फुल जकास तरीके से, हम में रसगुल्ले की चाशनी डाल रहे हम सुपर ब्रिड ने, सुपर क्या बोलते हैं उसको, सुपर ब्रिड क्या कहते हैं उसको, खुद तो कहते हैं यार, बंद कर दे बंद कर दे वो गई हो तो ना रहती है चाशनी ले ले, अब जब भी खाएंगे जब गर्म करके खा लेंगे, देख मम्मी को ले मम्मी को मम्मी अभी तो आप गम को शो कर रहे थे, शौक मना रहे थे मेरी मम्मी पटाखों से रुसवा होगी कि भाई 1800 रुपए के पटाखे ला देगा, पर कोई नहीं। हाँ मैं बता रहा था भाई बचपन में मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते थे, पर बड़ा होते होते मैं गुलाब जामुन के फेवर में चला गया, एक पड़े ही ना अभी। अरे यार बाल साइड में कर दे ये भी दिखाएगा कि चप लाइट खरीदी थी 320 रुपए में, इसमें मोड से अलग अलग वो मजा आ गया मैं फुल जकास, और इधर सनसेट होने वाला है थोड़ी देर बाद में, अच्छा खासा व्यू मिल जाता है हमारी छत से हमें। ये पेड़ हमें, मैं छोटा था तब खराब लगता था, मतलब सीरियसली बताऊँ पेड़ों से नफरत नहीं करनी चाहिए और नफरत मैंने कभी की भी नहीं, बट ये मुझे तब अच्छा लगता था जब मैं पतंग उड़ाने की कोशिश करता था, क्योंकि जस्ट हवा हमारे सामने आती थी ना तो हमारी पतंगें खूब उलझी पेड़ में, बट ये पेड़ बहुत अच्छा है।